आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं आलमी खबरों का। मुआखजे की कार्रवाई पर अमरीकी सदर ट्रंप के मुखला ने दिफाई मौकफ पेश कर दिया है। कानूनी टीम के मुताबिक मुआखजे के आर्टिकल अमरीकियों के इंतखाबी हक पर खतरनाक हमला है। मुआखजे की तहरीक में डोनाल्ड ट्रंप का दिफा करने वाली कानूनी टीम ने अपने दलाइल पेश करते हुए मुआखजे को अमरीकी आवाम के जमहूरी हक पर हमला करार दिया है, जिसके तहत वो आजादाना तरीके से अपने सदर का इंतखाब करते हैं और सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजा इलेक्शन 2016 के नतीजे को तब्दील करने की गैर कानूनी कोशिश है। अमरीकी सदर के वकला ने मौकफ अपनाया कि सदर ट्रंप ने यूक्रेनी हममनसब से सितंबर में अक्वामे मुत्तहिदा में मुलाकात की। मुलाकात के बाद यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद जारी की गई। इससे साबित होता है कि यूक्रेन के साथ कोई अदल बदल नहीं हुआ। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के दो आर्टिकल्स की मंजूरी दे चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कानून की राह में रुकावट डालने के इल्जामात हैं, जबकि सदर ट्रंप की कानूनी टीम की क्यादत व्हाइट हाउस के वकील पैट्सी पोलोनी कर रहे हैं।